देश के पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर बयान दिया है। ओपी रावत ने कहा कि ईवीएम पर संदेह नहीं है, लेकिन जिन हाथों में वो है उनकी विश्वसनीयता पर संदेह है। दरअसल पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने ये बयान इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान दिया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होना है, वहीं कई विपक्षी दल ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। इस बीच देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत शुक्रवार को इंदौर पहुंचे। मीडिया से चर्चा में रावत ने कहा कि चुनाव में उपयोग की जा रही ईवीएम पर संदेह नहीं है, लेकिन ईवीएम जिन कर्मचारियों के हाथों में रहती है उनकी विश्वसनीयता पर अवश्य संदेह है। संदेह की वजह भी है क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है, क्योंकि वो मशीन जो है ना स्टैंड अलोन है और उसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है कि जो मशीन टू मशीन टॉक को पॉसिबल बनाए, तो इसलिए आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते। उसमें इवन बिजली में नहीं लगाते, उसमें बैटरी रख के चलाते हैं ताकि कोई ना तो वायर से कनेक्टिविटी है, ना वाईफाई से कनेक्टिविटी है, ना किसी तरह का ऑसिलेटरी सर्किट, तो इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैल फंक्शन जहाँ तक है, मैल फंक्शन तो भगवान की बनाई हुई मशीन में भी होता है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रावत ने कहा कि सारे विश्व में लोग ईवीएम की तारीफ करते हैं, इसके बावजूद हमारे यहाँ पार्टियां ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। इसका कारण ये है कि ईवीएम जिनके हाथों में है उनकी विश्वसनीयता पर विश्वास करना मुश्किल है, वे लोग उसका कैसा इस्तेमाल करें ये कहा नहीं जा सकता, ऐसा पहले हुआ भी है। ईवीएम इतनी बढ़िया मशीन है कि उसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी अपनी नहीं है, लेकिन वल्नरेबिलिटी जिन लोगों में है उनके बारे में। रावत ने कहा कि आम चुनावों में धन का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में पिछले चुनाव के दौरान 3 ट्रक भरकर करेंसी पकड़ी गई थी जो कि लगभग 570 करोड़ रुपए थी। राजनीतिक पार्टी द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप को लेकर कहा कि राजनीतिक लोग इलेक्शन कमीशन को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव भी तमिलनाडु में स्थगित किए गए, काउंटरमांड किए गए, पंजाब अलवा कुर्सी और आरके में। तो धन का दुरुपयोग तो बढ़ रहा है। अब उसमें ये कहना कि बहुत ज़्यादा हो गया ये ठीक नहीं है, इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश में जितना धन अभी तक जब्त हुआ है उसमें से कितना रिलीज हो चुका है वो सब निकालेंगे तो बहुत कम पैसा ऐसा है जो वाकई चुनाव में दुरुपयोग किया जा रहा हो। उसकी तुलना में कहीं और अगर आप नगर डालेंगे तो वहाँ पैसा इतना ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे आप देखें अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन में मिलियंस में खर्चा होता है, वही चीज़ तमिलनाडु में पिछले इलेक्शन में 3 ट्रक लोड करेंसी नोट पकड़े गए। आप लोगों ने कहा होगा कि 3 ट्रक भर के करेंसी पकड़ी गई जो 570 करोड़ एक एक केस में। तो ऐसा कुल मिलाकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान से तो ये साफ हो गया है कि जिन हाथों में ईवीएम सौंपी जा रही है उसकी निष्पक्षता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।